सत्संग बहुत आवश्यक है। मैं गारंटी से कहता हूं, यदि कोई जन्म का सिद्ध हो उसकी बात नहीं, यदि कोई पूर्व जन्म का बहुत बड़ा भक्त हो उसकी बात नहीं मैं कर रहा। लेकिन जो व्यक्ति संसार में संसारी है, संसार में फंसे लेकिन सत्संग सुन के सुधर गए, भक्ति में लग गए, ऐसे लोगों को भक्ति से भी ज्यादा प्रयास सत्संग का करना चाहिए, क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है, वो ढक्का स्टार्ट है। सेल्फ स्टार्ट तो संसार में है, पापों में, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गलत काम करते हैं, माँ बाप को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, किसी की परवाह नहीं करते, पापों में रचे पचे हैं, विषय भोगों में फंसे हैं, लेकिन सत्संग सुन करके अक्कल आ गई। इसका मतलब अपनी अकल नहीं थी, पूर्व जन्म की अकल नहीं थी, पैदाइशी संस्कार अच्छे नहीं थे, लेकिन सत्संग सुन करके अकल आ गई। अब ये मत सोचो कि सत्संग सुन के अकल आ गई तो जिंदगी भरी अकल साथ देगी, नहीं देगी। कुसंग में पड़ गए, सत्संग छूट गया, फिर जो कहते हो ढाके तीन पार दो रहना चौथे की आस, फिर वही पहुंच जाएगा। जिस कीचड़ से सत्संग ने निकाला, यदि सत्संग छूट गया, कुसंग मिल गया, उस कीचड़ में फिर फंस जाएंगे। तो ऐसे लोगों को भजन बंदगी तो करनी है जितनी कर सके, लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान रखना संतों का संग करना है। सत्संग जहां भी मिले, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष जैसे आप लोग बैठे, सत्संग नहीं छोड़। यहां तक कि सत्संग शुरू हो गया, तुम्हारी माला पड़ी, छोड़ो माला को, पहले सत्संग करो, बाद में पूरी करना। सत्संग शुरू हो गया, पूजा करे तो छोड़ दो बीच में पूजा को, सत्संग पहले करो, क्योंकि पूजा भी सत्संग की देन है। यदि सत्संग गया, पूजा भी चली जाएगी, पूजा बाद में कर लेना, भगवान नाराज नहीं होंगे। विश्वास नहीं तो भागवत जी एकादश स्कंध द्वादश अध्याय, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम जाने से पहले उद्धव को ये बात कही है कि मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन है, चाहे जप है, पूजा पाठ, ध्यान, यज्ञ, आराधना, तीर्थ, व्रत, तपस्या, योग, जितने भी मेरी प्राप्ति के साधन है, वो सब मुझको बस में नहीं कर सकते, जो मुझको सत्संग करने वाला बस में कर लेता है। सत्संग से ही हम सुधरेंगे, भजन पूजा पाठ से सुधरेंगे नहीं। रावण भी कर लेता है भजन पूजा पाठ तपस्या ध्यान योग यज्ञ, रावण भी कर लेता है, लेकिन वहां सत्संग नहीं है, कुसंग है। कांस भी पूजा पाठ कर लेता है, कांस कंकाली देवी का उपासक है, आज भी मथुरा में देवी का मंदिर है, कांस जिसकी पूजा करता था, भगवान शिव की पूजा करता था, शिवरात्रि को बहुत बड़ा उत्सव भंडारा करता था कंस, शास्त्र में लिखा है। तो भक्ति तो कंस भी कर लेता है, लेकिन कंस कुसंग में रहता है, सत्संग में नहीं रहता, इसे अपराध नहीं छूट रहे, दुनिया की खुशियां चाहता है। तो कंस कोई नास्तिक नहीं था, रावण कोई नास्तिक नहीं था, हिरण्यकश्यप कोई नास्तिक नहीं था, ये राक्षस कोई नास्तिक नहीं थे, ये कश्यप ऋषि की संतान है, लेकिन इनके पास सत्संग नहीं है। कंस के पास सत्संग नहीं है, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, आगासुर, बकासुर, पूतना, ये तो उसके संगी साथी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि नाम जप करके, पूजा पाठ करके अपना उद्धार करो, सुधरने की आवश्यकता नहीं है, सुधर करके भजन करो या भजन करते हुए सुधरो, सुधरों को भगवान मिलते हैं। नाम जब तो तुम्हारा कंप्यूटर भी कर देगा, कल ही कर दो, एक घड़ी सी आती है, घड़ी उसको करो तो महामंत्री बोलती रहती है, क्या घड़ी का उद्धार हो जाएगा? भाव ये सत्संग से प्राप्त होता है, और भाव बिना रिझक नहीं, नटवर नंद किशोर सब भजन कर रहे हैं, नाम तो सब कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं, व्रत त्योहार भी मना लेते हैं, उत्सव भी कर लेते हैं, तपस्या भी कर लेते हैं, एकादशी भी कर लेते हैं, वृंदावन भी चले जाते हैं, गिरिराज की परिक्रमा भी कर लेते हैं, लेकिन देखो तो जीवन ना भाई से बनते, ना मां से, ना बाप से, ना पति से, ना पत्नी से, किसी बनती नहीं परस्पर, क्या होगा तुम्हारी भक्ति से? ईर्षा द्वेष निंदा चुगली, मौका नहीं छोड़ो, निंदा का मौका नहीं छोड़ते, मिल जाएगा मौका,
सुधरो। कपड़े में कितना भी प्रेस कर लो, यदि दाग लगे होंगे तो कितना भी बढ़िया प्रेस कर लो कपड़े में, अगर दाग लगे हैं बिना धुला है तो कोई पहनने को तैयार नहीं है। ठीक है, प्रेस की वैल्यू है, लेकिन कब? जब वो धुला हुआ कपड़ा। इत्र की भी वैल्यू है, इत्र को भी छिड़क दो, सुगंधित अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन इत्र लगा दिया, प्रेस बढ़िया कर दी, रंग भी बढ़िया दिया, लेकिन धब्बे, मैल, मैला कुचैला, गंद लगी है, मक्खियां बिन बिन आ रही है, इतना गंदा कपड़ा, प्रेस क्या करेगी? वो इत्र लगाए क्या करेगा? कोई पास खड़ा होगा, कोई पसंद करेगा? जिसमें दाग धब्बे दुनिया भर के हैं, ऐसा प्रेस किया हुआ इत्र लगाया हुआ कपड़ा पहन के क्या तुम शादी में जा सकते हो? कोई पसंद करेगा? तुम स्वयं नहीं पसंद करोगे। ऐसी तुमने भजन पूजा पाठ करके प्रेस कर लिया, थोड़ा सुगंध आ गई तुम्हारे में, थोड़ा सद्गुण आ गए, भजन पूजा पाठ करने वाली युक्तियां आ गई, लेकिन स्वभाव कितना खोटा है। तुमको देख करके तुम्हारे परिवार वाले अगर तुमसे बात करने में, तुमको डांटने में कोई डर रहे हैं, तुमको समझाने में डर रहे हैं, 64 ने 128 संभाल करके देख लो, सपने में भी भगवान नहीं आएंगे। ऐसा तुमने अपने परिवार वालों को डरा डरा के मार रखा है। सास बहू से डरती है, कहना दे, बहू सास से डरती है, ससुर जमाई से डरता है, जमाई ससुर से डरता है, भाई भाई से डरता है, अपने दिल की कह नहीं पाते, अगर कहेंगे तो सामने 4 जूते पड़े, हम कह नहीं सकते तुम्हें खोट है, कोई सुनने को तैयार नहीं। इधर खूब 64 माला कर रहे हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं, अपनी कमजोरी को, कमी को सुनने को कोई तैयार है ही नहीं, सुधरने को कोई तैयार नहीं। अच्छे बनो, भक्ति करो, अच्छी बात है, भक्ति से भगवान मिलेंगे। तुम अच्छे बन गए और भक्ति नहीं करोगे तब भी भगवान मिलने वाले नहीं। यदि तुम अच्छे बन गए हो, अच्छा स्वभाव बन गया और भक्ति नहीं करते, भगवान नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, लेकिन भगवान मिलने वाले नहीं, तो भक्ति से ही मिलेंगे, लेकिन केवल भक्ति से मिलेंगे, स्वभाव सुधार की भावना की आवश्यकता नहीं। यहां भी तुम गलत फहमी हो, केवल अच्छे बनोगे, भक्ति नहीं करोगे, स्वर्ग मिल जाएगा, अगला जन्म अच्छा हो, और केवल भक्ति करोगे, स्वभाव सुधार नहीं करोगे, तब भी भगवान नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में फिर भक्ति का मौका मिल जाएगा इंसान बनके, इतना तो भगवान कर देंगे क्योंकि भक्ति कर रहे हो, लेकिन भगवान मिलने वाले नहीं। भगवान कब मिलेंगे? जब दोनों बातें साथ हो, भक्ति भी हो और सबके भीतर भगवान, किसी का बुरा ना हो जाए, सब उसी मालिक की संतान है, किसी का अपराध ना हो जाए, हमारे कारण से कोई दुख ना पाए, हमारे व्यवहार को देख करके सामने वाले का दिल उमड़ना चाहिए प्यार के लिए, ये नहीं डर है। मैंने देखा, मेरे पास पारिवारिक बहुत केस मुकदमे आते हैं, सब ने सबको डरा डरा के मार रखा,